दिल्ली में आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दिल्ली सरकार ने इस बारे में लेटर जारी कर जानकारी दी है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि राजधानी में स्कूल 29 नवंबर से खुलेंगे और ऐसे में दिल्ली में स्कूल प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से बंद कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक सभी ने दिल्ली NCR में स्कूल को बंद करने पर सहमति जताई थी, जिसके बाद बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में सरकार ने बुधवार को जानकारी दी थी कि 29 नवंबर से सभी स्कूल खुल जाएंगे। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी कक्षाओं के लिए स्कूल सोमवार से खुलेंगे। उधर दिल्ली NCR में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में हर मौसम में होने वाले प्रदूषण पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए और इसके आधार पर सरकार को साल भर के लिए ठोस योजना भी बनानी चाहिए। तो ऐसे में एक बार फिर से आज से दिल्ली के सभी स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो चुका है। सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था कि अब दिल्ली के स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अब जब प्रदूषण में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी राहत कहीं ना कहीं मिलती जरूर नजर आ रही है, तो उसके बाद फिर से अब स्कूलों को खोलने का फैसला सरकार ने कर लिया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को जो वर्क फ्रॉम होम दिया गया था, अब उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और अब सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो हैं, आज से दफ्तर जाएंगे, वहां पर काम करेंगे।